Ladies and gentlemen, my young friends, it's indeed a privilege to be here, sharing the dais with all such dignitaries. When I wanted to talk to you all, I was asked by Mr. Rahul Karad to discuss with you and rag with you about the freedom struggle. I once had talked about that in the last chapter, Sansad year. Before that, my very hearty congratulations to all the successful candidates in the UPSC examinations. My good wishes to them too, for the journey that they are going to embark on. And all those aspirants who are here, my good wishes to them also. मुझे नहीं पता कि आपको यह बात पता है कि नहीं पता है सबको कि आप सब जो यहां ऑल इंडिया सक्सेस में आ चुके हैं या आने वाले हैं, हम सब के पीछे एक नाम है। हम सब उनको ओ करते हैं अपनी एग्जिस्टेंस प्रोफेशनल, और वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आजादी के बाद जब ये डिस्कशन शुरू हुआ कि ऑल इंडिया सर्विसेज को रखा जाए या खत्म किया जाए, तो आईसीएस और इंडियन पुलिस आईपी इन सबको अबॉलिश करने के लिए इतना जोर था, क्योंकि इस देश के लोग समझते थे और नेता भी ये समझते थे कि ये सर्विसेज तो सिर्फ हमको एक्सप्लॉइट करने के लिए बनी थी। और उस कमेटी में सरदार वल्लभ भाई पटेल जो गृह मंत्री थे इस देश के, उन्होंने कहा If the services go, I go with them. मैं इस्तीफा दे दूंगा। और नतीजा ये कि उनका विरोध करने की हिम्मत किसी की नहीं हुई, और ऑल इंडिया सर्विसेज थोड़ा नाम बदल के आईसीएस की जगह आईएएस हो गया, आईपी की जगह आईपीएस हो गया, और ये सर्विसेज फिर से दोबारा शुरू हो गई। जो उम्मीदें उन्हें थी, और ये सब रिकॉर्ड पे है, वो उम्मीद करते थे कि ये सर्विस है ही नहीं, ये जॉब नहीं है। दरअसल ये नेशन बिल्डिंग के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है, और ये वही था और वही है। ऑल इंडिया सर्विसेज में आप जो लोग अभी आ गए हैं और जो आगे आने की सोचते हैं, उन्हें मैं ये बात कहना चाहूंगा, खास तौर से आजादी की लड़ाई खत्म हुई होगी कभी, लेकिन एक बड़ा हिस्सा आजादी की लड़ाई का अभी जारी है, चल रहा है, और आगे चलना पड़ेगा उसे। और उसे हम याद रखें, इसलिए मैं थोड़ी बातें पुरानी आपसे करूंगा, क्योंकि जब किसी देश का नौजवान जगता है तो देश बदलता है। सिर्फ बदलता ही तब है जब देश का नौजवान जगता है। पहले कभी जब देश के नौजवान जगे थे, और अगर वो नाम गिनाना हम शुरू करें तो शाम हो जाएगी, दो चार नाम आपके आगे लूंगा। अरविंदो घोष, आपको पता उनका बचपन का नाम क्या था? अरविंदो एक्रोएड घोष। एक्रोएड कहां से आ गया? शुद्ध बंगाली नाम अरविंदो घोष, बीच में एक्रोएड लग गया, क्योंकि उनके पिता कृष्णधन घोष जो डॉक्टर थे, विदेश के पढ़े, एंग्लिसाइज थे बहुत, उन्होंने अपने बेटे के नाम में एक्रोएड डाल दिया सिर्फ अंग्रेजियत के नाते, उसे खुशनुमा बनाने के लिए। और 7 साल की उम्र में ये अरविंदो एक्रोएड घोष इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए, 19 साल में इंडियन सिविल सर्विस में आ गए, नौकरी ज्वाइन नहीं की। इंडियन सिविल सर्विस उस समय 1990 में, सॉरी 1890 में क्रैक करके छोड़ देना कोई आसान बात नहीं थी। ज्वाइन नहीं की, वापस चले आए बड़ौदा में जाकर के फ्रेंच पढ़ाने लग गए, और फिर आजादी की लड़ाई में कूद गए। अगले 10 साल जो अलख जगाई उन्होंने, इस देश की तकदीर बदल गई। इस मिट्टी ने ऐसे ऐसे लोग पैदा किए कि लगता नहीं कि यही मिट्टी आज है जो तब थी। नाम हमने तो फिर मैंने कहा समय छोटा कम पड़ जाएगा, कुछ नाम जरूर लूंगा, लेकिन काकोरी कांड में लखनऊ के पास 4 लोगों को फांसी हुई, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाड़ी। मैं आपसे कुछ बातें बताऊंगा, खैर वो सारी जेलें जहां उनको फांसी हुई मैंने जा जाके देखी, तीर्थ हैं वो आज भी।
हमने सुना है रामप्रसाद बिस्मिल के बारे में, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। और चले गए वो। वो अशफाकुल्ला खान 27 साल की उम्र में जब फांसी हुई फैजाबाद जेल में, अभी मैंने सुना हमारे एक नए दोस्त फैजाबाद के रहने वाले गए नहीं होंगे कभी, जाके फैजाबाद जेल में वो जगह देखो, जा सकते हो आप, रोक नहीं है, जहाँ फांसी लगी थी अशफाकुल्ला खान को, जो शाहजहां उनके बड़े सम्भ्रांत परिवार के नवयुवक, उनकी लिखी एक चिट्ठी मेरे पास है नेशनल आर्काइव से निकाली हुई, ऐसी चेस्ट इंग्लिश, वो कहते हैं कि आई एम नॉट गोइंग टू डाई, आई एम गोइंग टू लिव लाइक हीरोज इन द हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। बढ़िया अंग्रेजी की लिखी वो चिट्ठी अशफाकुल्ला खान, 27 साल की उम्र में फांसी लगी और फांसी के दिन उनसे अंतिम इच्छा पूछी गई उनकी, आज दीवारों पे लिखी है फैजाबाद जेल की उनकी अंतिम इच्छा, और क्या कहते हैं वो, कोई आरजू नहीं है, कोई आरजू नहीं है, आरजू तो बस ये रख दे कोई जरा सी खाके वतन कफन में। देश की थोड़ी सी मिट्टी कोई डाल दे कफन में, ये आरजू लिए चले गए अशफाकुल्ला खान, और किसी सिनेमा का डायलॉग नहीं है ये, असलियत हकीकत। ऐसे ऐसे लोगों ने वो कुर्बानियां दी तो हम और आप आजाद हुए, तो ये आईएएस और आईपीएस बना, जहां आप आने का सपना देखते हो, कुछ आते हैं, कुछ आने की कोशिश करते हैं, यकीन रखना, लेकिन वो सपने जो उन पूर्वजों ने हमारे देखे थे, उधर से नजर हटेगी तो हम सब चुक जाएंगे। मैं आपको एक बार और याद दिलाना चाहता हूं, उन नौजवानों के जिन्होंने आजादी की लड़ाई में अपनी जान कुर्बान की, आपको पता चंद्रशेखर आजाद की उम्र थी जब जिस रोज वो शहीद हुए 25 साल, भगत सिंह 24 साल, राजगुरु 23 साल, सुखदेव 24 साल, बिस्मिल 30 साल, अशफाकुल्ला खान 27 साल, मदन लाल धीगरा 22 साल, खुदीराम बोस 19 साल, 19 साल की उम्र का ये लड़का शहीद हुआ, और खुदीराम बोस की मां 3 दिन पहले उनके फांसी लगने को उसे मिलने गई, पूछा, रोने लग गई, और खुदीराम बोस ने कहा, ये बार विदाई दाओ मां, घूरे आशीष, इस बार जाने दो मां, फिर आऊंगा। आए भी होंगे, जाएंगे कहा, लेकिन आप सोचो जो सपना उन्होंने देखा था वो पूरा हो गया क्या? वो पूरा हुआ? नहीं हुआ पूरा। वो एक बात और आपसे कहता हूं, भगत सिंह की अंतिम चिट्ठी 23 मार्च 1931 को फांसी हुई, 22 मार्च 1931 को देश के नौजवानों के नाम एक चिट्ठी लिखी उन्होंने, आप सब पढ़ सकते हो उसे, राहुल जी ने मेरी रिक्वेस्ट करने को चिट्ठियां बंटवाई हैं MIT में, जिसमें वो कहते हैं, एक गर्व की बात करते हैं, मुझे आजकल अपने पे बहुत गर्व है, मुझसे अधिक भाग्यशाली कौन होगा, बड़ी बेताबी से इंतजार है उस घड़ी का। और दूसरी ओर चिट्ठी में वो लिखते हैं कि देश और मानवता ख्याल रखना, देश और मानवता के लिए जो कुछ करने की हसरतें मेरे दिल में थी उनका 1000वां हिस्सा भी पूरा नहीं कर सका, अगर स्वतंत्र नागरिक के रूप में जिंदा होता तो शायद अवसर मिलता और कर पाता। मैं आपसे पूछता हूं मित्रों, ये भगत सिंह के सपनों को पूरा करने की जिम्मेदारी किसकी है? बताओ ना आप, किसकी है ये जिम्मेदारी? बोलो ना आप, किसकी है ये जिम्मेदारी? अभी आवाज कम आती है आपकी, एक बार और बाद में पूछूंगा, अभी ये बात कहता हूं आपसे, अगर वो जिम्मेदारी हमारी है तो वो जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे हम? आज जो देश में, समाज में, दुनिया में एक रैट रेस, चूहे की दौड़ मची हुई है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा लो और ज्यादा से ज्यादा ताकत, ये चूहे की दौड़ है, रैट रेस है ये, इसका विजेता भी कोई चूहा होगा, और याद रखना उस चूहे को मार के कोई कमजोर सी बिल्ली आसानी से खा जाएगी, हजम कर जाएगी। ये पैसा कमाने वाला इस रैट रेस में नहीं पड़ना। हमें एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूं महाभारत की, थोड़ा समय देंगे मुझे आप,
एक छोटी कहानी आपको सुनाता हूँ महाभारत की। यह कहानी सुनाई थी शल्य ने कौरवों और पांडवों के मामा ने कर्ण को, जो उनके सारथी थे। समुद्र के किनारे का एक नगर, एक धनाढ्य व्यापारी और वहां एक कौवा उनकी जूठन खा खा के बहुत मोटा हो गया। ये मोटा कौवा अपने आप को सारे कौवों का राजा मानने लग गया, उससे डरने लग गया, उसके मोटापे, उसके शरीर से, उसके आकार प्रकार से। फिर एक रोज वहां समुद्र के किनारे हंसों का एक झुंड आके उतरा और ये कौवा डर गया। इसे लगा ये आकार में भी मुझसे बड़े हैं, डायमेंशन में उससे तीन गुना है, ये हंस रंग रूप बढ़िया है, ऐसा न हो कि मेरी राज सत्ता चली जाए। तो उस कौवे ने सोचा कि इनको चैलेंज करके हराना जरूरी है और वो गया उसने एक हंस से कहा मुझसे रेस लगाओगे, और हंस ने देखा ही नहीं उसकी ओर, बाकी हंस मुस्कुराने लग गए। कौवे को बुरा लगा, बार बार पीछे पड़ा और अंत में और हंसों के इशारे पे हंस रेस लगाने को तैयार हो गया। रेस शुरू होने के पहले कौवे ने हंस से पूछा कि तुम्हें कितनी किस्म की उड़ानें आती, और हंस ने कहा मुझे एक उड़ान आती सीधी सपाट साफ, और कौवे ने कहा मुझे तो 100 किस्म की उड़ानें आती, महाभारत में डिस्क्रिप्शन आता है, उलीन प्रलीन अपलीन, उलटता हूं पलटता हूं, एक पंख से दो पंख से गिरता हूं, कलाबाजी करता हूं, बहुत सी उड़ानें आती, तुम मुझसे क्या रेस जीतोगे। और कौवे ने कलाबाजियां शुरू की, रेस शुरू हुई और बाकी कौवों की तालियां और गड़गड़ाहट, और ऐसा लगा कि कौवा रेस जीत गया। मित्रों याद रखना, ये कौवे अक्सर रेस खत्म होने के पहले अपनी जीत का उद्घोष कर देते हैं। इंतजार करना, हंस की तरीके से हंस ने इंतजार किया, थोड़ी देर में समुद्र के ऊपर उड़ना शुरू किया, पीछे पीछे कौवा, तालियों की गड़गड़ाहट पीछे छूट गई। और अब समुद्र के ऊपर उड़ते हुए कौवे को एहसास हुआ कि वो फंस गया, वापस जाने का रास्ता मुझे नहीं पता। वो बार बार हंस से कहता था चलो चलो वापस चलें, और हंस ने कहा अभी तो रेस शुरू हुई। और वो कौवा गिरने लगा, उसके पंख भीगते थे, उड़ता था, और हंस ने कहा कि ये तुमने 101वीं किस्म की उड़ान देखी दिखाई कि तुम जाते हो पानी में पंख भिगाते हो अपने फिर ऊपर आके उड़ते हो। और कौवे ने कहा कि मैं मरने वाला हूँ मुझे बचा लो, गिर गया हूँ। उसने ये भी कहा कि मैं उस व्यापारी की जूठन खा खा करके मोटा हो गया था, मैं तो कौवा हूं, बकबक करता रहा, तुम हंस हो, अपना धर्म निभाओ, मुझे बचाओ। और वो हंस उस कौवे को बीच पे लाद के किनारे ले आ करके उसने एकांत में छोड़ दिया, बाकी कौवों को पता भी नहीं चलने दिया और उड़ गया वापस। इस कहानी पे आज चर्चा का समय नहीं, लेकिन एक बात कहता हूँ, ये देश बनना है, अगर आप सब जो नौकरियों में आ गए हो, अगर उन्हें देश बनाना है तो आपको हंस बनना पड़ेगा। कौवे की कलाबाजियों से काम नहीं चलेगा। मिस्टर गोपाल स्वामी यहाँ हैं और मैंने उनसे बाद में नौकरी ज्वाइन की। हमारे समय तक ये नौकरियों में हंस ज्यादा थे, कौवे कम थे। ये बात बदलनी नहीं चाहिए। कौवे की कलाबाजियों से न देश बनेगा, ना वो सपने पूरे होंगे जो हमारे पूर्वजों ने कभी देखे थे। मैं एक बात नए जो अभी सर्विस में लोग आए उनसे कहूंगा, नौकरी आप करना, अच्छी करना, दम लगा के करना, इसका ख्याल रखना कि आपको सरकार तनख्वाह देती है, सुविधा देती है दो बातों की, आपके शरीर और आपके मन की ऊर्जा की। आपका जमीन गिरवी नहीं हुआ है, आपकी अंतरात्मा गिरवी नहीं हुई है, वो आपकी है, आपके पास है और आपके पास रहनी चाहिए। अगर वो आपके पास रहेगी तो कुछ गलत ना होगा, किसी कीमत पे, किसी दौर में वहां कॉम्प्रोमाइज ना करना। आप हर बार आपको पता चलेगा कि क्या सच है, क्या झूठ, क्या सही है और क्या गलत। बड़ा मेहरबानी, जो सच हो वो करते चलना, जो सही हो वो करते चलना, जो गलत हो वो करके मत देना, उसकी कीमत अदा करना। उसकी कीमत देनी पड़ेगी, लेकिन देना, हर चीज हर अच्छी बात की कीमत देनी पड़ती है। तो अपनी ईमानदारी और सच्चाई की कीमत अगर दे दी तो क्या हुआ, वो जरूरी है। अभी बात की गई थी मानसिक रोगियों के इलाज की, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा, ये 152 मानसिक रोगियों के इलाज हम लोगों ने कराए कुछ दोस्तों ने मिलकर के लखनऊ में। मेरी जिंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा मेरी नौकरी में नहीं है, वो राष्ट्रपति पदकों में नहीं है, वो एक मोमेंट में है जब एक वो आदमी जिसे कि हमने उठाया, 2 साल इलाज कराया, घर मिलता नहीं था उसका, हारून नाम था उसका, और 2 साल बाद उसका अता पता चला
तो उसका फादर लेने आया मुस्तफा दिल्ली से लखनऊ में, और मेरे घर मुझसे मिलने आया तो मेरे घर की बाहर चौखट पे उसने माथा पक्की चौखट पे ऐसे मारा कि आवाज हुई, और मैंने रोका मना किया तो वो खड़ा हुआ कृतज्ञता की प्रतिमूर्ति जिसे कहते हैं, ग्रेटिट्यूड पर्सोनिफाइड, कांपता हुआ शरीर, आंखों में आंसू, थरथराते हुए होंठ, और एक बात कहता था बार बार, वो और फरिश्ते कैसे होंगे। ये इनाम मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम है। राष्ट्रपति पदक मिले न मिले फर्क नहीं पड़ता मित्रों, अगर आप जो ऑल इंडिया से समझदार इफ़रात मौके आपके पास हैं राहत बांटने के, लोगों को राहत देने की, चुप ना मत, वहां चुप गए अपने अहंकार के नाते, ग्रीड के नाते, एम्बिशंस के नाते, सब चुप जाएगा, और वहां अगर आप एक बार लगे रहे, आपके आसपास तमाम लोग सिखाने वाले रहे क्या कर रहे हो, क्या फर्क पड़ता है, तुम समझते हो तुम दुनिया बदल सकते हो, जमाना बदल सकते हो, संसार बदल सकते हो। एक छोटी कहानी और बात खत्म करता हूं आज आपसे। ये कहानी आप में से बहुतों ने सुनी होगी, मुझे बहुत पसंद है ये। जंगल में आग लगी और आसमानी आग, और ऐसी आग जिस आग में जंगल जल के खाक हो जाए और उसकी लपट आसमान तक बादलों तक जाए। सारे पशु पक्षी भाग चले, एक छोटी चिड़िया पास की रिवरेट नदी से थोड़ा पानी अपनी चोंच में, थोड़ा पानी अपने पंख पे लाती थी और उस जंगल के ऊपर गिराती थी। और सयाना कौवा, ये कौवे बड़ी बड़े गजब की चीज होते हैं, माफ करना यहां भी होंगे एक आध को जरूर, जो बार बार ये सिखाएंगे क्या फायदा, तुम समझते हो तुमसे कोई फर्क पड़ जाना है। सयाना कौवा उसने कहा चिड़िया से, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे इस पंख के पानी से और चोंच के पानी से ये आग बुझने वाली है, ये आग? और चिड़िया ने कहा कि नहीं, मुझे पता है कि मेरी इस कोशिश से आग नहीं बुझेगी। फिर क्यों बेवकूफी करती हो, तुम जल जाएगी, झुलस जाएगी, तुम इसके अंदर बैठ और नजारा देख, तमाशा देख। और चिड़िया ने कहा कि मैं ये सिर्फ दो वजह से करती हूँ, एक प्रोक्लेमेशन इस बात का, उद्घोष इस बात का कि मैं आग लगाने वालों में से नहीं हूं, इस बात का उद्घोष, और एक संतोष सेटिस्फैक्शन इस बात का कि मैंने कोशिश की थी। और आप करते क्या हो जिंदगी भर, और आप कर क्या सकते हो जिंदगी भर सिवाय कोशिश के, कोशिशों के। मित्रों आप जो नौकरी में आ गए हो, जो आने वाले हो, सबसे मेरी एक गुजारिश, अगर याद रहे वो सपने उन पूर्वजों के जो अपनी गली की हड्डियां तोड़वा तोड़वा के सीने पे गोलियां खा खा के भरी जवानी चले गए इसलिए कि आजाद हिंदुस्तान में मेरे जैसा कोई शैलजा कांत यहाँ खड़ा हो सकेगा और आप जैसा कोई वहां बैठ सकेगा। ये उनकी मेहरबानियां हैं, अंग्रेजों की खैरात नहीं है जिसके चलते मैं यहां से कुछ कह पाता हूं और आप सुन पाते हो। ख्याल रखना इस बात का, वो बोझ जो परसों 67 साल पूरे हो गए हमारे कंधे पे लदे हुए, इस देश की जिम्मेदारियों का, पूर्वजों के सपनों का बोझ अब आपके कंधे पे आया है। उम्मीद करता हूं आप उस छोटी चिड़िया के तरीके से कोशिश जारी रखोगे। बहुत बहुत धन्यवाद।